हमारे मेहमान भी आ चुके हैं, दीदी हैं और ये ननद है और एक दो और है। सो गाइस, यहाँ पर जो है सरसों को काट के खेतों में बोया था पहले, तो काट के कुछ इस तरह से रखा गया था। और ये देखिए गाइस, देवर होने के फायदे। गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो गाइस, अभी जो है धूप आ गई है, मैं कर रही हूँ ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग जो है मॉर्निंग से। और ये है हमारी छोटी सी बकरी यहाँ पे, ये देखिए कितनी प्यारी सी है, छोटी सी है ना। और सब बकरियाँ हमारे गए हैं जंगल घास चरने के लिए, और एक छोटी सी बकरी है जो हमारे घर पे ही है। अभी ये छोटी है, अभी ये घास नहीं खाती है, अभी 1 महीने की है। थोड़ा थोड़ा घर पे ही खाती है, वैसे इसको नहीं पता, इसलिए जंगल नहीं जाती है अभी ना। ओ मम्मा, उसके सामने इसकी मम्मी भी है, ये देखो। इसकी मम्मी भी कर रही है आज। हाँ, ये देखो आज ये घर क्यों आई थी। आज इसकी मम्मी भी घर आई, ऐसे ये घर नहीं रहती है। देखिए देवाना बकरी के साथ खेल रहे है। पर अभी मैं चलती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर ना गोबर की टोकरी मैंने भर दी है, सुबह ही भर के रख लिया था। अभी नाश्ता कर कुर के अब जाते हैं हम इसको छोड़ने के लिए फनी खेत, और वहाँ से हमने जो है सरसों की मनाई करनी है। हाँ, मैं जा रही हूँ। थी थी मम्मा, आप क्या लगा ली डाल गोबर कुड़ी डाल लियो? गोबर ले जाना पड़ता है, भी निकालेगा बड़ा होगा तो। मैं निकालूंगा, वो भी छोटा है ना, इसलिए मैं मना कुछ नहीं बोलती तेरे को। तो तू बड़ा हो जाएगा ना, तो भी ले जाएगा गोबर। ठीक है, मेरा फोन दे दे मेरे को। अभी जो है मैं पहुंची टंग रोड, और जो सबसे दूर वाले खेत है ना हमारे, तो वो पैनी खेत ही हैं, तो आज मैं वहीं जा रही हूँ। अगले दिन में हम वहीं आए थे, और आते आते ना यहाँ थकान भी हो जाती है। और मेरे पीछे देख, यहाँ पर जो है बहुत सारा ही सालों और सुन हो रखा था। तो कल ना सब लोग आए थे, और सभी लोगों ने जो है यहाँ पूरा रास्ते की सफाई कर रखी है। पूरे रास्ते में जितने कांटे आटे थे तो सब साफ कर रखा है, क्योंकि शादी इसी रास्ते से आने वाली है। यहाँ साइड पूरा जो है रास्ता ख़राब हो रखा था, बिल्कुल शांति कैसे आती यहाँ से। और आज तो अच्छा बना दिया, पूरा रास्ते की कटिंग जो है हो गई है, अच्छा बना दिया। सो गाइस, यहाँ पर जो है सरसों को काट के खेतों में बोया था पहले, तो काट के कुछ इस तरह से रखा गया था। और रखने के बाद ये अच्छा हो गया, पक सा गया है, जो पका नहीं था, तो ये जल्दी निकल जाता है। तो इस तरह से जो है हम तिरपाल लेके आए घर से, तो यहाँ पे मम्मी मार रहे हैं इसको, तो कुछ इस तरह से मारना जाता है जैसे धान को मारना जाता है, तो उसी तरह से जो दाने होते हैं सरसों के वो जो है निकल जाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से जो है निकाला जाता है, और जो निकाल दिया है आधा ये है, और यहाँ पर जो है नीचे आपको सरसों दिखेगा थोड़ा सा, ये देखिए। फिर इसके बाद लास्ट में हम ये सरसों छानेंगे, फिर उसके बाद इसका हम तेल बनाएंगे। ये देखिए ये है सरसों, तो इसको फटाफट से हम फिनिश कर लेते हैं। और यहाँ पर ये भैया भी चावल हावल पता नहीं क्या लेके आ रहे। सो गाइस, हमारा काम फिनिश हो चुका है, और हमने ना अब जो है ये गायों के लिए घास काटना है। और यहाँ पर हमारे ये छत ना टूट चुकी है, ये देखिए। सो गाइस, यहाँ पर हैं लिफाफे और पैसे, जो शादी में आएंगे तो उनको जो है लिफाफा दिया जाता है। बिरयानी भर रही है लिफाफे। देवा को नहीं भरने दे रहे? नहीं देवा, ये रो रहा था, नहीं भरने दे रहे मेरे को, करके नीचे आया था। भर देवा, तू भी बैठ जा वहाँ पे। नहीं भरने दे रहे कहाँ, क्योंकि ये देवा अच्छी तरह लगाना, उसको सीधा करना। वो भर नहीं रहे थे, हम भर नहीं रहे थे। हमारे घर से गए थे शादी के लिए सामान लेने, उसके बाद हम जा रहे हैं अभी सामान लेने के लिए। और यहाँ से इतना बुरा रास्ता है ना, क्या बताऊँ मैं आपको, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए गाइस, पूरा चट्टान वाला रास्ता है, देखिए नीचे पता नहीं कहाँ है, नज़र भी नहीं जा रही है। और यहाँ से रास्ता है बट मैं वहाँ से नहीं जाऊँगी, मैं बहुत डरती हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जाऊँगी। बहुत डेंजर रास्ता है, ऐसे रास्ते से जो है हमको नीचे आना है अभी सामान लेके। ये देखिए कैसा है नीचे, बिल्कुल नज़र जाती ही डर लग रही है, और वो हमारा घर है। सो गाइस, हमारे वहाँ जो है रोड नहीं जाती है, तो हमें ऐसे ही सामान लेके आना पड़ता है। तो शादी है, तो शादी के लिए बहुत सारा सामान है, आधा तो पहले ला गए हैं आधे पड़ोस वाले,
जो दूर दूर के हैं, मतलब पड़ोस वाले ही हैं, पर अभी रहते नहीं हैं, वो रोड की वजह से दूर रहते हैं। तो वो लोग तो पहले ला गए, आधा आधा बाद में लाएंगे, आधा हम लोग लेके आ रहे हैं। सो गाइस देखिए लोग वहाँ पहुँच गए, ओ ऊपर ये दीदी को देखो आगे से, ये मैं इनको ही नहीं पकड़ पा रही हूँ, ये मेरे से बड़े हैं और मैं जो थक रही हूँ, बूढ़ी तो मैं हो गई हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। अभी जो है हम रोड पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो है पिकअप भी आ चुकी है, आधा सामान जो है नीचे उतार दिया है और आधा सामान उतार रहे हैं, तो हम भी लगा लेते हैं अपने पीठ पे। सो गाइस अभी जो है हम सामान लेके आ गए हैं, हम तो चावल लेके आए, हम दोनों देवरानी जेठानी ना पतले हैं, तो हम पतले पतले हैं इसलिए हमको थोड़ा कम कम दिया है, हमारा शरीर लेके हमारा हमको सामान दिया है। 25-25 किलो चावल लेके आए हैं हम, और ज़्यादा नहीं लेके आए, साथ में हम एक एक जो है साथ में अडेजी लेके आए हैं, देखो ये है सूटकेस लेके आए हम, छोटा छोटा वाला, इसको भी ले जाएंगे, ये शादी के दिन चाहिए होते हैं, दो चाहिए होते हैं, एक मेरे पास है और एक दीदी के पास है, पीछे से रखा है, तो इसको ले जा रहे हैं। और यहाँ का रास्ता इतना डेंजर था ना, मैंने ऊपर जाते समय आप लोगों को दिखाया था, और आप आधे लोग जो है वो ऊपर से लेके आ रहे हैं, अभी वो ऊपर पहुँचे हैं, वीडियो में बल्ला देखी, तो बहुत ही डेंजर रास्ता था, बड़ा मुश्किल से आए हैं, थोड़ा भी पाँव फिसलेगा ना तो सीधे पता नहीं वो नीचे पहुँचेंगे, हम अपने घर के आस पास ही पहुँचेंगे ऊपर से गिर के। तो ये देखिए ऊपर से और लोग भी आ रहे हैं, और आधे और हैं जो आने वाले हैं सामान लेके, ये बुढ़े लोग जो 50 किलो ले जा रहे हैं, हम नहीं ले जा पा रहे हैं, कदी गरुण बे नौण है ना ना अभी नोनी गरुण ही तमार बुढ़ी में बैठे हैं। सो गाइस दीदी भी ना बहुत भाग रही है, अब तो रास्ता अच्छा है, अब तो मैं आराम से जा सकती हूँ। ये देखो हमारी छोटी सी बकरी, छोटी सी बकरी कहाँ आई है तू, है कहाँ दौड़ रहे, कहाँ दौड़ रहे। सो गाइस अभी जो है देवर जी कहीं घूमने से आ रहे थे, तो अभी जो है वो मेरा कट्टा ले जा रहे हैं चावल का, देखो उनको कितना हल्का लग रहा है, वो तो ऐसे ही कंधे में रख के भाग रहे हैं, ये है देवर होने का फायदा। अभी जो है मैं खाली हाथ जा रही हूँ। अभी जो है हमारे छोटी सी बकरी हमारे इस वाले घर पर आई है, और ये देखिए कितना फुटक रही है वो, और अभी जो है रुद्रपुर वाले भी आ चुके हैं। अभी जो है शाम का समय हो चुका है, ठंडी ठंडी हवा भी लगी है, और साथ में जो है हमारे मेहमान भी आ चुके हैं, दीदी हैं और ये ननद है और एक दो और है, भाई जी हैं, बहुत ही ठंडा है यार, हाँ सबको ठंडा ही लग रहा है, इतनी गर्मी हो रही क्या बताऊं, और दीदी का एक आंख छोटा भी हो रखा है आज, इसका चैन भी नहीं है, क्या करें, हाँ बहुत ही ठंडा लग रही है, बहुत ज्यादा हो रखा है, और बच्चे भी आए हैं, और हमारे घर पे थोड़ा थोड़ा सा टेंट भी लगाया है, हल्का हल्का सा काम स्टार्ट कर दिया आज से, फिर और आधा काम जो है कल करेंगे। ये देखो